ओके तो हम स्टार्ट करते हैं यार। पहले थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि प्रीवियसली हमने वेक्टर्स में क्या डिस्कस किया हुआ था। अगर हम वेक्टर्स की बात करें तो प्रीवियसली वेक्टर्स में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। ओके सो डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम बात करते हैं। शीट से रिलेटेड जिसको भी जितने भी डाउट है कल हम पूरे शीट के रिलेटेड डाउट डिस्कस करेंगे, तो आप टेंशन नहीं लेना है। बात जिन लोगों ने अभी प्रैक्टिस नहीं की है वो प्रैक्टिस कर ले, कल तक का टाइम है, कल हम सारे शीट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो अभी अभी बात कर लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। तो हमने दो चीज़ें बात की, प्रोडक्ट में स्केलर भी होता है वेक्टर भी होता है। स्केलर को हमने नेम दिया डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है। क्या डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो जाता है ए बी साइन थीटा। दोनों में डिफरेंस ये है कि ए बी कॉस थीटा में कोई डायरेक्शन नहीं है, बट ए बी साइन थीटा के साथ एक डायरेक्शन भी है, और वो डायरेक्शन क्या होती है, वो दोनों ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। तो हम डिटेल में आगे जाके इसे डिस्कस करेंगे। फिर हम स्केलर प्रोडक्ट की अगर बात करें तो स्केलर प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट आएगा जीरो, बिकॉज थीटा 90 डिग्री है। फिर अगर हम बात करें कि लाइक दो 90 डिग्री पे जो वेक्टर होते हैं वो आई कैप और जे कैप होते हैं, तो अगर हम आई कैप या जे कैप या फिर जे कैप या के कैप किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर हमने बात की कि ऐसा करते हुए देखा अगर हमने कि अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करें या फिर बी ए को मल्टीप्लाई करें, जब कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं है तो डॉट प्रोडक्ट में ए इंटू बी लिखो या बी इंटू ए लिखो, दोनों सेम बातें हैं। फिर डॉट प्रोडक्ट में हमने डिस्कस किया कि अगर आई इंटू आई है, जे इंटू जे है, तो इन सब का डॉट क्या आता है, वन आता है। फिर हमने डिस्कस किया कि अगर दो पर्टिकुलर वेक्टर दिए हुए हैं तो कैसे उनका मल्टीप्लाई करना है और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है। फिर हमने लॉजिकल पर्सपेक्टिव भी देखा कि डॉट प्रोडक्ट इजीली कैसे सॉल्व करना है। इजीली सॉल्व करने के लिए हमने बताया कि आई को आई से, आई को आई से, जे को जे से, जे को जे से मल्टीप्लाई करना है, एंड के को के से। ये चीज़ें हमने डिस्कस की, ये तीनों चीज़ें हमने डिस्कस की थी लॉजिक वाइज। फिर हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। उसके बाद थर्ड केस हमने डिस्कस किया था टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो मैंने बताया था कि यार एंगल अगर फाइंड करना है तो उसका हम कॉस फाइंड कर सकते हैं, और इस तरीके से हमने एक एग्जांपल भी दिया था कि कैसे दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कॉस थीटा के फॉर्मेट में फाइंड कर सकते हैं। तो आज जो हमें डिस्कस करना है वो नेक्स्ट पार्ट है हमारा। अभी हम डॉट प्रोडक्ट में ही हैं, डॉट प्रोडक्ट के सिनेरियोज ही डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जो हमें पार्ट डिस्कस करना है आज वो है हमारा डायरेक्शन कोसाइंस। सो नेक्स्ट जो पार्ट है आज हमारा वो है डायरेक्शन कोसाइंस। अब ये डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, देखें डायरेक्शन कोसाइन होता है, इट इज द कोसाइन। कोसाइन मतलब होता है ये जो कॉस थीटा वाला होता है, सो इट इज अ कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ वेक्टर विद स्टैंडर्ड एक्सेसेस। सो जो स्टैंडर्ड एक्सेस है उनके साथ एंगल होता है, ये डायरेक्शन कोसाइन होता है। मतलब कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो बहुत ही अच्छा क्लियर हमें समझ में आ जाएगा। सपोज एक वेक्टर है, देयर इज अ वेक्टर, सपोज अ वेक्टर इज एक ए वेक्टर है जिसकी वैल्यू है कुछ ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप, मतलब आई कैप भी है और जे कैप भी है। अब हमें इसका चाहिए डायरेक्शन कोसाइन, लेट्स से विद एक्स एक्सिस, तो हमें चाहिए डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन विद एक्स एक्सिस, सो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब सिर्फ क्या है, मैंने जस्ट अभी बताया कॉस थीटा है। डायरेक्शन कोसाइन का सिंपल मतलब है कॉस थीटा, मतलब आपको क्या करना है, इस वेक्टर को बना लो, ये वेक्टर लेट्स से आई कैप में है, इतना आई कैप में कितना है, ये ए वन है, और जे कैप में वेक्टर कितना है, ये है ए टू। तो इनका जो रिजल्टेंट है ये हो जाएगा हमारा ये पर्टिकुलर वेक्टर। सो ये जो रिजल्टेंट है ये हो गया हमारा वेक्टर। तो इसका एक्स एक्सिस से जो एंगल है, मान लेते हैं इस एंगल का नेम है अल्फा, हमने ये डिस्कस किया है। लेट्स से इसका वाई एक्सिस के साथ भी एक एंगल है जिसे हमने नेम दे दिया बीटा। तो सिर्फ फर्क ये है कि डायरेक्शन कोसाइन का मतलब है हमें निकालना है कॉस अल्फा। क्लियर, अगर हमें चाहिए डायरेक्शन कोसाइन,
डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन का मतलब कॉस थीटा विद वाई एक्सिस। अगर हमें वाई एक्सिस के साथ का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो बहुत ही स्ट्रेट हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, ये हो जाएगा कॉस बीटा। अब देखो इस फिगर में देखो, अगर हमें कॉस अल्फा चाहिए तो देखो परपेंडिकुलर पहले हमें ढूंढना पड़ेगा। सो परपेंडिकुलर कौन है, ए टू, परपेंडिकुलर है ए टू। अब देखिए कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा बेस, बेस में कौन है ए वन अपॉन डायगनल। तो डायगनल हमें नहीं पता, डायगनल क्या है, डायगनल है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, सो वी कैन से इट इज रिजल्टेंट। ये हुआ कॉस अल्फा। अगर हमें बीटा चाहिए तो देखो ये परपेंडिकुलर यूज करेंगे और बेस क्या बन जाएगा ए टू। तो अगर हम यहाँ पे हम कॉस बीटा फाइंड करने का ट्राई करें तो ये हो जाएगा ए टू ओवर आर। इस तरीके से हम कॉस अल्फा और कॉस बीटा निकाल सकते हैं। बट अभी हमें वो मेथड यूज नहीं करना जो हम यहाँ पे ट्रायंगुलर मेथड यूज करते थे। हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड में कॉस कैसे निकालते हैं, प्रीवियस में मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कॉस कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से। हमें पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सो कॉस थीटा क्या आ जाएगा ए डॉट बी बाई ए बी। क्लियर। तो इस तरीके की इस लॉजिक को अगर हम यूज करेंगे तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल चाहिए, तो हम फिर क्या करेंगे, ये जो ए वेक्टर है उसका एक्स एक्सिस के साथ डॉट कराएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए वेक्टर डॉट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब क्या, आई कैप वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू एक्स एक्सिस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज आई कैप। अगर हमें बी चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन बी चाहिए, तो बी क्या हो जाएगा ए वेक्टर इनटू किसके साथ कैप कराएंगे, जे कैप के साथ अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इनटू जे कैप का मैग्नीट्यूड। यस। तो अगर हम बात करें, याद है डॉट प्रोडक्ट कैसे कराते थे, आई का आई के साथ होता है, जे का जे के साथ होता है। तो आई का आई के साथ होगा तो सिर्फ क्या बचेगा, ए वन बचेगा अपॉन आई कैप का मैग्नीट्यूड तो वन हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है वो तो हमें पता है कैसे आएगा, वो आएगा रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। तो इस तरीके से देखो सेम वैल्यू आ गई जो हमने अभी निकाली है यहाँ पर, ये सेम वैल्यू। कॉस बीटा भी देखे, जे कैप सॉल्व करेंगे तो सिर्फ जे कैप का आएगा, आई कैप वाला जीरो हो जाएगा, मतलब क्या आएगा ए टू आएगा अपॉन रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चीजें सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग वेक्टर मेथड। हम ट्रायंगल मेथड भी यूज कर सकते थे वेक्टर मेथड से, लेकिन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला भी याद रखना है। क्लियर। इसमें किसी को कुछ डाउट है कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं तो बताएं। ट्रायंगल से किसी को फिर से एक्सप्लेन करें, फिर से एक्सप्लेन करें। ओके, तो वेक्टर वाला पार्ट या फिर ट्रायंगल वाला पार्ट? ये वेक्टर वाला। ओके, वेक्टर का अगर हम बात करें तो पीछे हमें पहले प्रीवियस लेक्चर में देखना पड़ेगा जिसमें हमने बताया हुआ है कि यार ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है अगर हम बात करें तो उसमें डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। डायरेक्शन कोसाइन मतलब होता है कॉस थीटा फाइंड करना। सो कॉस थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया ना वेक्टर ए डॉट बी बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसे हमने सिंपल ए बी भी लिख सकते हैं या फिर मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो ये एक हमारा एज अ फॉर्मूला हो जाता है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा फॉर्मूला है कि हमें किसके साथ चाहिए वेक्टर, हमें डायरेक्शन चाहिए एक्स एक्सिस के साथ। तो पहला वेक्टर तो ये है, बट दूसरा वेक्टर किसे ले लेंगे, एक्स एक्सिस को ले लेंगे। तो ए इज आवर फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर इज एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस मतलब कौन सा वेक्टर, आई कैप वाला वेक्टर। सो जब आई कैप का मल्टीप्लाई कराएंगे तो सिर्फ आई कैप वाला सॉल्व होगा, मतलब ए वन आ जाएगा, और नीचे मैग्नीट्यूड रखेंगे तो आई कैप का मैग्नीट्यूड वन हो जाता है और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। ठीक है, चले। मुझे लगता है थर्ड आपको टेंशन बिल्कुल नहीं होगी। थ्री डी वेक्टर के लिए अगर देखें, एक थ्री डी वेक्टर के लिए डायरेक्शन को साइंस देखें। ओके, तो डायरेक्शन और एंगल्स फ्रॉम एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस से हमें एंगल बताना है किनका, एक थ्री डी वेक्टर है। सो मान लेते हैं थ्री डी वेक्टर कुछ इस तरीके का है, ए वेक्टर, 3D वेक्टर मतलब ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, 3D मतलब के कैप भी आ गया। तो फर्क कुछ नहीं है, हम मान लेते हैं एंगल विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस क्या है, अल्फा बीटा गामा है, मतलब
मैं थोड़ा सा फिगर बनाने का ट्राई कर लेता हूँ। लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, क्लियर। और हमारे पास एक वेक्टर है जो कि कुछ रैंडमली इस तरीके का है। सो लेट्स से एक्स और वाई एक्सिस में ये एक वेक्टर है, तो समझे अल्फा है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल, बीटा है वाई एक्सिस के साथ एंगल, और ये जो जेड है ये 3D में एंगल है, जेड हमारे आउटसाइड द प्लेन है। सो ये जो जेड के साथ एंगल है वो है गैमा। सो अल्फा बीटा गैमा के फॉर्मेट में हम चीजें सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी डायरेक्ट आंसर मैं लिखूंगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा। जब आई चाहिए तो सिर्फ लिख दो आई कैप, क्लियर, मतलब क्या होगा ए वन, क्योंकि आई के साथ डॉट कराना है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर्मूला ए वन अपॉन फुल मैग्नीट्यूड। तो क्या होगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, इस तरीके से कर सकते हैं। सेम अगर कॉस बीटा चाहिए तो बीटा मतलब जे कैप वाला, मतलब क्या ए टू, तो ए टू अपॉन रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। सपोज गैमा चाहिए जेड एक्सिस से, तो ये हो जाएगा ए थ्री अपॉन रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा अभी प्रॉब्लम है, सोचो अगर हमने इन्हें ऐड कर दिया, तो देखो सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या है कि ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, क्या सॉल्व होगा क्या, नहीं, क्योंकि नीचे रूट में ए वन स्क्वायर है। तो बेस्ट मेथड होता अगर हम इनका स्क्वायर कर लेते हैं और फिर ऐड करते हैं तो फिर काम बन जाता। तो अगर हम इनके स्क्वायर करके ऐड करेंगे, देखें अगर मैं करूँ एक ये एज आइडेंटिटी याद कर सकते हैं, अगर हम कॉस स्क्वायर अल्फा करें प्लस कॉस स्क्वायर बीटा करें प्लस कॉस स्क्वायर गामा करें तो क्या वैल्यू आने वाली है, देखें। तो ये हो जाएगा ए वन स्क्वायर, सोचो कॉस स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए वन का स्क्वायर अपॉन रूट हट जाएगा, आएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, सब में इसी तरह आएगा ए टू स्क्वायर आएगा और एक में ए थ्री स्क्वायर आएगा। तो जब तीनों ऐड करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर जैसा बन जाएगा ना, इसका मतलब कैंसिल होकर आंसर क्या आने वाला, वन आने वाला। तो ये एक एज आइडेंटिटी भी यूज हो सकती है, क्लियर। अच्छा डायरेक्शन कोसाइन के डिफरेंट नेम भी हैं, कुछ बुक्स में डायरेक्शन कोसाइन को डिफरेंट नेम भी देता है, लाइक एल एम एन। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन बोला है तो वी कैन ऑल्सो राइट लाइक एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, भी क्या होगा वन वन। तो ये हमें उतना प्रॉब्लम नहीं है, देख के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को एंगल या डायरेक्शन फाइंड करने में कोई टेंशन होगी। एंगल या डायरेक्शन मतलब कॉस थीटा फाइंड करना है आपको, क्लियर। किसी को इसमें कुछ डाउट है जो हमने डायरेक्शन कोसाइन की बात की? नो सर, नहीं। चले एग्जांपल बात कर लेते हैं फिर थोड़ा सा, लेट्स सी वन एग्जांपल। Okay, now solve. Find the angle of this vector from y-axis. तो यार आंसर सेंड करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जैसे हमें y-axis से पूछा है तो क्या एंगल हो गया, cos बीटा। अगर cos बीटा हो गया तो आपको फोकस करना है j कैप वाले कंपोनेंट में, तो j कैप वाला कंपोनेंट कितना है, माइनस फोर डिवाइडेड बाय टोटल मैग्नीट्यूड। तो टोटल मैग्नीट्यूड की बात करें, हो जाएगा थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाती है माइनस फोर बाई फाइव रूट टू, यस, क्लियर। तो अगर हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाती है माइनस टू रूट टू बाई फाइव। फोर को लिख सकते हैं टू इंटू टू और एक रूट टू कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू आ गई, ये हो गया कॉस बीटा। इन केस
अगर आपको सिर्फ बीटा पूछा हुआ है तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं कॉस इनवर्स माइनस टू रूट टू बाई फाइव, क्लियर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डन। अच्छा कुछ लोग इसे लिख देते हैं सेम, सर कॉस में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कुछ लोग इसे लिख देते हैं डायरेक्टली, याद रखना ये गलत है। कॉस में माइनस थीटा जो होता है वो होता है थीटा, ये ठीक है, लेकिन कॉस इनवर्स माइनस थीटा ये थीटा नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना कि जो चीज कॉस में किया था वही चीज कॉस इनवर्स में मत कर देना, डिपेंड करेगा, सेपरेटली सॉल्व करेंगे उस चीज को। तो बीटा की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। किसी को कुछ डाउट एंगल निकालने में? सर नो सर, पूछे ये कॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन इन स्क्वायर रूट थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर नहीं किया क्या? हाँ, सो इसकी वैल्यू फाइव स्क्वायर है, तो ये वैल्यू जो आ जाती है फाइव रूट टू आ जाती है सॉल्व करके, बिकॉज हमें पता है थ्री प्लस फोर का स्क्वायर क्या आएगा, फाइव का स्क्वायर, पाइथागोरस पैटर्न है, सो ये आ जाएगा फाइव का स्क्वायर, एंड वी नो कि अगर दो सिमिलर स्क्वायर है तो वी कैन राइट टू टाइम्स ऑफ फाइव स्क्वायर, सो फाइव स्क्वायर मत से फाइव बाहर आ जाएगा एंड टू विल रिमेन इनसाइड। तो इस तरीके से हम ये डायरेक्शन कोसाइन की बातें कर सकते थे। नेक्स्ट पार्ट है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर और ऑल्सो नोन एज अ शैडो। सो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर के आपने काफी क्वेश्चन शीट में दो तीन क्वेश्चन दिखे होंगे, उसका मतलब है शैडो। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर का मतलब हम सिंपल सी बात करें कि किसी भी वेक्टर का किसी भी वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन अगर निकालना है तो प्रोजेक्शन का सिंपल मतलब होता है, देखें सपोज हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ, ध्यान दें, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। अगर हमें कभी भी प्रोजेक्शन लिखना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, तो इसका सिर्फ मतलब होता है कि सपोज ये एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, हमें चाहिए कि ए का जो शैडो आने वाला है वो बी पे कितना आने वाला है। मतलब अगर मैं ए को यहाँ पे प्रोजेक्ट करूं यहाँ पर, तो ये वैल्यू कितनी आने वाली है, ये दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन है। तो यार ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं ना, ये प्रोजेक्शन हमेशा क्या आता है जिस भी वेक्टर के साथ दिया होता है, ये आता है हमेशा ए इंटू कॉस थीटा, याद है ना, वेक्टर जिस के साथ एंगल गिवन होता है उसके साथ आता है थीटा, सो ये हो जाता है कॉस थीटा, वेयर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, थीटा इज एंगल विद वेक्टर बी, सो जो वेक्टर बी जिसके रेस्पेक्ट में हमें फाइंड करना था उसी के साथ हमारा एंगल होता है प्रोजेक्शन एंगल, क्लियर। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, कहीं भी रैंडम, जरूरी नहीं है कि ऐसा हॉरिजॉन्टल हो, किसी भी तरीके का हो, बस हमें एंगल पता होना चाहिए तो काम बन जाएगा। नाउ प्रॉब्लम ये है कि अभी मैंने फिगर बना दिया तो ठीक है, प्रॉब्लम है कि अगर फिगर नहीं बना, अगर सेपरेटली दो वेक्टर गिवन है तब कैसे निकालेंगे। इफ द क्वांटिटीज आर गिवेन इन वेक्टर फॉर्मेट, गिवेन इन वेक्टर फॉर्मेट, तो बेटा अगर वेक्टर फॉर्मेट में गिवेन है तो ड्रॉ नहीं कर पाओगे ना ऐसे, ये इधर होगा एंगल ही नहीं निकाल पाओगे, टफ हो जाएगा। तो वेक्टर फॉर्मेट में गिवेन है तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कैसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। अच्छा हमें फाइंड क्या करना है, ए कॉस थीटा, सो हम लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कैसे, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, देखें इसे कैसे निकाल सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं एज ए कॉस थीटा, एंड टू सॉल्व ए कॉस थीटा वी कैन डू वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सो बी का मैग्नीट्यूड विच वी कैन सिंपली राइट एज बी ऑल्सो, सो इट इज वेक्टर ए डॉट बी बाई बी,
ये मेथड हो जाएगा अगर हमें प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी चाहिए, या फिर हमें चाहिए लेट्स से प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग, तो लेट्स से हमें बी का हमें किसी वेक्टर के चाहिए अलोंग वेक्टर पी, क्लियर। तो इसका मतलब जिसका चाहिए बस उसी का होगा, बी कॉस थीटा होगा। तो बी कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, बी और पी के साथ डॉट कराएंगे। सो बी डॉट पी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी का चाहिए, सो बचा कौन पी वेक्टर, सो पी वेक्टर आ जाएगा। दिस वी कैन राइट बी वेक्टर डॉट पी वेक्टर अपॉन पी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका हो गया जब हमें क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है किसी भी वेक्टर का किसी भी एक्सिस के अलोंग। ओके, अब प्रोजेक्शन ऑन स्टैंडर्ड एक्सिस देख लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑन स्टैंडर्ड एक्सिस, सो प्रोजेक्शन ऑन स्टैंडर्ड एक्सिस, स्टैंडर्ड एक्सिस मतलब कौन सी, आई कैप जे कैप के कैप में प्रोजेक्शन क्या होगा। मतलब सपोज एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, इसका है ए वन आई कैप प्लस लेट्स से ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ये एक वेक्टर है, क्लियर। इट्स प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, सो वाई एक्सिस की तरफ इसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, किसका, ए वेक्टर का ना, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा ए इंटू कॉस थीटा, बट किसके साथ वेक्टर कराएंगे हम, वाई एक्सिस के साथ कराएंगे इसका। सो होगा ए वेक्टर डॉट रिमेंबर वाई एक्सिस, सो आई विल जस्ट राइट वाई एक्सिस अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं लिखेंगे, किसका लिखेंगे वाई एक्सिस का मैग्नीट्यूड, वाई एक्सिस। सो अगर हम बात करें, सो ए वेक्टर इनटू वाई एक्सिस मतलब क्या, जे कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, आपको पता है जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या आएगा वन। अच्छा जे के साथ डॉट कराओगे तो सिर्फ क्या आएगा, जे कैप वाला आएगा ना ए टू, सो इसका मतलब हो जाएगा ए कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी ए टू, और बिकॉज वाई एक्सिस के साथ है तो हम अल्फा की जगह इसे क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं। सो ए कॉस बीटा की वैल्यू क्या आएगी ए टू आएगी। या डाउट्स बताएं अथर, कुछ स्टूडेंट्स हैंड रेज कर रहे थे, डाउट्स पूछे जो भी उनको डाउट हो रहा है रिगार्डिंग प्रोजेक्शन। सर कैन यू प्लीज रिपीट इट। ओके देखें, प्रोजेक्शन में क्या होता है यार, प्रोजेक्शन मतलब होता है एक शेडो। शेडो की अगर हम बात करें तो देखो, सपोज ए की शेडो चाहिए बी में, तो हमें ए का देखना है कि ए से जो परपेंडिकुलर जाने वाला है वो बी में कहाँ तक जाएगा। जैसे इसमें मैंने रेड कलर से प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया है, तो अगर मैथमेटिकली देखें तो प्रोजेक्शन होता है दैट वेक्टर इंटू जस्ट कॉस थीटा, क्योंकि हमने आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में समझाया था ये पार्ट। सो वैल्यू होती है सिर्फ ए इंटू कॉस थीटा। अब हमें अगर वो वेक्टर गिवन है तो मैं इनटू कॉस थीटा कैसे निकाल सकते हैं वो हमें यहाँ देखना है। तो ए इनटू कॉस थीटा निकालने का बेस्ट मेथड है डॉट प्रोडक्ट, जो अभी हमने एंगल के लिए कॉस थीटा निकाला था, अभी हमें ए इनटू कॉस थीटा निकालना है। सो अगर सिर्फ कॉस थीटा देखा था तो ए बी का डिवाइड दिया, बट सिर्फ ए कॉस थीटा चाहिए तो सिर्फ ओनली बी का डिवाइड हमने यहाँ पर दिया हुआ है। सो देखें अगर हमें चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, सो आंसर आएगा ए इंटू कॉस थीटा। थीटा किसके साथ है, ए और बी के साथ एंगल है। थीटा एक नेम है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। सो ये हो जाएगा ए इंटू बी ए डॉट बी बाई बी वेक्टर। उसी तरीके से हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग पी, सो वैल्यू हो जाएगी बी वेक्टर डॉट पी वेक्टर अपॉन पी का मैग्नीट्यूड, सिंपल पैटर्न। तो सेम हमने प्रोजेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड एक्सिस देखा, और देखा कि यार स्टैंडर्ड एक्सिस मतलब ये कोएफिशिएंट ही आते हैं, तो अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि इट्स प्रोजेक्शन, लेट्स से इट्स प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सब लोग याद रखें, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो ए कॉस गामा आने वाला है मुझे डायरेक्टली आंसर पता है वो क्या आएगा, ए थ्री आने वाला है। तो प्रोजेक्शन की वैल्यू जो होगी वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं जस्ट कंपेयर करके, अगर हमें स्टैंडर्ड एक्सिस के बारे में पूछा हुआ है। यार प्रोजेक्शन सबको क्लियर है, प्रोजेक्शन में किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। सर फिर a cos अल्फा a1 आएगा क्या?
हाँ ए कॉस अल्फा जो एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन है वो आ जाएगा ए वन, अगर हमें एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन चाहिए तो वो जस्ट आ जाएगा ए कॉस अल्फा, वो आ जाएगा क्या ए वन जितना। तो इस तरीके से प्रोजेक्शन हम लिख सकते हैं। सो मुझे नहीं लगता यार प्रोजेक्शन में किसी को डाउट होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रेट वैल्यू है। अगर वेक्टर गिवन है तो हमें किस तरीके से प्रोजेक्ट करके उन्हें सॉल्व करना है। ओके तो हमने दो चीजें यहाँ पर आज सीखी, आज हमने एंगल निकालना सीखा जिसे हमने डायरेक्शन कोसाइंस बोला था, और हमने प्रोजेक्शन निकालना सीखा। चले अच्छा एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं तो बेटर रहेगा, लेट्स से एक एग्जाम्पल कर लेते हैं काफी बेटर रहेगा प्रोजेक्शन का एग्जाम्पल। लेट्स से okay now solve this question and answer me in the chat box। वेरी गुड शिव प्रसाद, करेक्ट आंसर। आयुष इट्स नॉट करेक्ट, रीचेक अगेन। इट्स जस्ट अ सिली मिस्टेक आयुष, बाय द लुक ऑफ आंसर आई कैन सी इट्स जस्ट अ सिली मिस्टेक। लेट्स सी यार एक बार फॉर्मूला देखे क्या करना है हमें, हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है तो हमें करना है दो वेक्टर का डॉट डिवाइडेड बाय दैट वेक्टर जिसके डायरेक्शन में हमें प्रोजेक्शन निकालना है। ओके ओके आयुष नाउ इट्स करेक्ट। तो देखें क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर लेते हैं यार, ये मान लेते हैं वेक्टर ए है, कितना है 2i कैप + j कैप। हमें किसका चाहिए, हमें वेक्टर वी की बी की डायरेक्शन में चाहिए, तो ये हो गया 3i कैप + k कैप। अब देखिए स्टेप क्या हो जाएगा, हमें चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, सो मतलब हमें क्या चाहिए ए कॉस थीटा चाहिए, तो ए कॉस थीटा देखिए क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए, तो यूज हो गया बचा क्या बी, बी का डिवाइड होगा। सो अगर हम यहाँ पे बात करें थोड़ा सा, सो ए और बी का डॉट, देखो आई कैप का आई कैप हो जाता है मतलब 2 × 3 क्या आ जाएगा 6 प्लस कुछ स्टूडेंट ने इसे जे कैप मान लिया, सो जे कैप इंटू जे कैप का हो जाता 1, बट बिकॉज ये के कैप है सो जे इंटू के का क्या होता है 0 हो जाने वाला है, अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, देखो बी की वैल्यू क्या होगी मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, सो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 6√10। तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस पर्टिकुलर वेक्टर। तो इस क्वेश्चन में क्या था, दोनों वेक्टर गिवन था तो हमें ये पैटर्न लगाना था। अब थोड़ा सा एक और पार्ट दे देते हैं, सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन बट थोड़ा सा और उसमें एक्स्ट्रा सॉल्विंग करनी है। लेट्स सी, सो फाइंड द प्रोजेक्शन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ 2i कैप - 3j कैप + k कैप अलोंग along northeast direction। चले सॉल्व करें जल्दी से।
find the projection of this vector along northeast direction. Let's see, solve this part. तो अभी ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन हो गया क्या? हमें वेक्टर ए तो पता है, वेक्टर ए तो पता है, ये है 2i cap minus 3j cap plus k cap. अब एक चीज आपको नॉलेज से यूज करके यहाँ लिखनी है, क्या? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब जो वेक्टर भी है वो कैप होगा क्योंकि ये प्योर डायरेक्शन वेक्टर है और वो होगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. तो बताए कोई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वेक्टर कैसे लिख सकते हैं? i cap plus j cap. i cap plus j cap. पक्का गलत है? i cap into j cap. i cap into j cap नहीं लिख सकते यार. नंबर वन, it is a direction vector, so what the it must be a unit vector. First thing you must remember, it must be a unit vector. Clear? So ये जो b है, ये question इसका मतलब बहुत ही special हो जाता है यार. ये question बहुत ही ज़्यादा special question हो गया ये. क्या? यहाँ पे जो b vector है, ये direction vector है, direction vector. तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा वन वन. अच्छा अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. इसका मैग्नीट्यूड होगा वन, हमें ये पता है. अब नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. देखिए सब लोग, ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसको हमें थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करना है. ओके कार्तिक, करेक्ट आंसर है, गुड. देखिए हमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन चाहिए थी, मतलब हमें ये डायरेक्शन चाहिए. एंगल कितना होता है नॉर्थ ईस्ट का? 45 डिग्री. और इसका मैग्नीट्यूड कितना है इस वेक्टर का? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? वन. सो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? वन. कैसे पता चला? बिकॉज इट इज अ डायरेक्शन वेक्टर. सो इसका वैल्यू कितना होगा? वन. अब याद है ना, अगर हमें आई कैप जे कैप में इसे लिखना है तो कैसे लिखते हैं? कंपोनेंट करके. तो ये हो जाएगा बी कॉस 45 आई कैप, और ये हो जाएगा बी साइन 45 जे कैप. क्लियर? तो अगर मैं b कैप फैक्टर की बात करूंगा तो ये हो जाएगा b, b इज 1, 1 इंटू कॉस 45 मतलब 1 बाई रूट 2. ये हो जाएगा i कैप प्लस साइन 45. अगर सॉल्व करें सो b इज 1, साइन 45 इज 1 बाई रूट 2. सो द वैल्यू विल बी 1 बाई रूट 2. सो इट विल बी 1 बाई रूट 2 टाइम्स j कैप. और ये बहुत ही अच्छा ट्रिक पार्ट था, बहुत ही अच्छी बात थी ये लिखना. सो 1 बाई रूट 2 i कैप प्लस 1 बाई रूट 2 j कैप. देखो वही चीज है, ये सीखना है यार, यही आपको सीखना है. इस क्वेश्चन में कितनी अच्छी बात आई है कि हाउ टू फाइंड अ डायरेक्शन वेक्टर अगर गिवन है. अगर मैंने बोल दिया बताओ 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, इस डायरेक्शन का वेक्टर बताओ, तो इस डायरेक्शन का वेक्टर बताने के लिए क्या करेंगे? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब यहाँ से 30 डिग्री बनाएंगे. और बिकॉज ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? वन. और कॉस और साइन लिख के सॉल्व कर देंगे. तो इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. अभी हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था a cos theta, मतलब क्या हो जाता वो? वो हो जाएगा a वेक्टर डॉट b कैप वेक्टर अपॉन b कैप का मैग्नीट्यूड. सो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो i के साथ होगा, तो डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ 2 इंटू 1 बाई रूट 2, देन j कैप का j कैप के साथ, सो माइनस 3 बाई रूट 2 अपॉन b का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 1 ही आने वाला है. So, क्या गया? 2 माइनस 2 बाई रूट 2 माइनस 3 बाई रूट 2. सो आंसर क्या आ जाएगा? 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1 बाई रूट 2. गुड. सो द प्रोजेक्शन विल बी माइनस 1 बाई रूट 2. अच्छा कोई बता सकता है कि प्रोजेक्शन नेगेटिव क्यों आ गया है? कैन समवन एक्सप्लेन प्रोजेक्शन नेगेटिव क्यों आ गया है? What do we mean by negative projection? Direction. Direction, yes. Negative projection का मतलब ये है कि suppose north east direction है ये वाली, तो इसका मतलब ये है कि ये जो projection है वो उसका vector north east तरफ नहीं है, north east के opposite तरफ है, इस तरफ है projection real में. देखने में तो वो north east की direction लग रही है, but real में वो opposite direction में projection आया है, और वो आना भी चाहिए. क्यों? क्योंकि देखो ये vector minus j cap की तरफ है, तो मतलब ये वेक्टर नीचे की तरफ कहीं है, तो इसलिए इसका प्रोजेक्शन जो आया है वो थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में आया है. तो प्रोजेक्शन नेगेटिव हो सकता है, टेंशन नहीं लेना है. तो इस तरीके से हम प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हैं.
तो मुझे नहीं लगता किसी को प्रोजेक्शन वगैरह में कुछ डाउट है। किसी को कुछ डाउट है क्या प्रोजेक्शन या वेक्टर फाइंड करने में? पूछ लें। नो सर। ओके ठीक है। और हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चीजें अभी आपको लगती हैं कि याद हो गई हैं, एक बार में याद नहीं होती है। तो जब मैं ग्रुप पे नोट्स डालूंगा, इस लेक्चर का रिकॉर्डिंग डालूंगा, तो एक बार लेक्चर का रिकॉर्डिंग एक मतलब फास्ट में क्विक जो मेन मेन चीज है वो रिव्यू जरूर कर लें और नोट्स एक बार जरूर पढ़ लें, क्योंकि जब आप एटलीस्ट दो तीन बार नहीं रिवाइज करोगे ना ये चीजें याद नहीं रहेंगी। तो थोड़ा सा इस चीज का आप लोग को ध्यान देना है। चले हम वेक्टर्स का लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। सर या पूछे सर ये एंगल 45 किया है क्योंकि अगर गिवन नहीं होता कुछ भी, सो नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है बीच में हम कंसिडर करते हैं। अगर गिवन होता 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट तो फिर हम ड्रॉ करते 30 डिग्री। अगर कुछ एंगल नहीं गिवन है देन वी कंसिडर एग्जैक्टली इन बिटवीन। ओके ओके। सो वेक्टर प्रोडक्ट ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। चले अब ये यार थोड़ा सा ट्रिकी है, वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। देखें कैसे, केसेस वाइज देख लेते हैं। इस पे केस नंबर वन देखते हैं, फर्स्ट पार्ट। इसमें प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली कि वेक्टर प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है, अगर हम बात करें जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है ए बी साइन थीटा इनटू इन सब के साथ साथ में एक डायरेक्शन वेक्टर। ये चीज है, हमें पता है कि डायरेक्शन ए और बी के परपेंडिकुलर है, बट हमें इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना है कि कभी भी अगर हमें देखना है कि हमने जस्ट ए इंटू बी इंटू साइन थीटा किया हुआ है, तो एक चीज हमें देखनी पड़ेगी कि उसके साथ में डायरेक्शन भी रहेगी ही रहेगी। तो ये थोड़ा सा हमें डायरेक्शन का ध्यान देना है। तो इसका मतलब अगर हम सॉल्व करें, लेट्स से प्रॉपरली लेट्स से अगर हम सॉल्व करते हैं आई कैप क्रॉस आई कैप। ओके आई कैप क्रॉस आई कैप, तो देखिए क्या हो जाएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, उसके बाद दूसरे आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, बट एंगल इन दोनों के बीच कितना है 0 डिग्री इनटू डायरेक्शन। अब प्रॉब्लम ये है कि साइन 0 0 होता है, तो डायरेक्शन आप चाहे कुछ भी कर लो सॉल्व हो गया, आंसर क्या आने वाला है 0। तो केस 1 में एक चीज हमें पता चलती है, जैसे अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर थे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, लेकिन अगर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। सो अब यहाँ पे हम याद कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, दैट आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के। अगर कभी हमें ये करना पड़ा तो इन सब का आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ये हमें याद रख लेना है। तो ये पहला पार्ट था जिसमें हमने डिस्कस किया कि यार आई जे और के इन सब का क्या होगा, किस तरीके से हमें इन्हें फाइंड करना है। इन सब का डॉट क्या होगा 0। तो स्टार मार्क वाली बात क्या है, इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी देन ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0 0। इफ ए इज पैरेलल टू बी देन उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। तो ये दो चीजें हमें थोड़ी सी याद रखनी है कि कब कैसा होता है। क्लियर। तो ये पार्ट था कि कब डॉट क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो सकता है। बात करते हैं इसमें किसी को कुछ डाउट, क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब एंगल उन दोनों के बीच का 0 होगा, सो साइन 0 0 हो जाता है। इंपॉर्टेंट है यार केस टू इंपॉर्टेंट है क्या, कि हमें बताइए जो डायरेक्शन है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसे सर्च कैसे करते हैं। तो सर्च करने के लिए रूल है द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट is find using right hand rule, using right hand thumb rule। अब आपने फ्लेमिंग्स राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल सुने हैं, क्लास टेंथ में आपने फ्लेमिंग्स राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल सुने हैं। अब ये जो हम बोल रहे हैं सिंपल राइट हैंड रूल क्या है, आप उस चीज को थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे। राइट हैंड रूल क्या चीज है, देखें
राइट हैंड रूल है, इसको हम स्क्रू रूल भी बोलते हैं। सो इसको स्क्रू, स्क्रू रूल मतलब क्या है, जैसे सपोज एक स्क्रू है, ये एक स्क्रू है ओके, और लेट्स से इसमें थ्रेड्स बने हुए हैं कुछ, ये थ्रेड्स हैं। तो अगर आप फील करोगे कि आप इस स्क्रू को, इस स्क्रू को अगर ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएं, आपको फील करना है टॉप से, टॉप ऑफ द स्क्रू। अगर हम टॉप व्यू की बात करें तो हमें स्क्रू कुछ ऐसा दिखेगा, और अगर हम इस स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाएं, क्लॉकवाइज, सो व्हाट यू विल फील, यू विल फील दिस स्क्रू अंदर जा रहा है। या इन दिस फिगर आई कैन से राइट लेफ्ट साइड स्क्रू विल मूव लेफ्ट साइड, और इन दिस फिगर आई विल से स्क्रू विल गो इनसाइड। So screw will go inside. इसका मतलब ये है, we can feel it with the right hand thumb rule, like कि point your thumb towards the screw, okay, and feel your fingers crossing according to the clockwise or anti-clockwise rule. मतलब ये कुछ ऐसा होगा, अब मेरे को थोड़ा सा drawing में problem है, इतना अच्छा drawing नहीं बनेगा, but let's say ये thumb है, और अगर हम बात करें फिंगर्स की, सो थंब ज्यादा अच्छा नहीं है यार। सो अगर हम फिंगर्स की बात करें ऐसे, सो थंब जो डायरेक्शन, आप वीडियो ऑन कर, तो अगर हम डायरेक्शन बताएं तो थंब के अलोंग जो होगा वो पॉइंट क्या होगा, थंब के अलोंग क्या पॉइंट होगा, मोशन किस डायरेक्शन, एक सेकेंड रुके, हम किस डायरेक्शन में मोशन करने वाले हैं ये स्क्रू बताएगा, और फिंगर्स किस डायरेक्शन में हम रोल करेंगे वो हमें बताएगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर हम लॉजिक की बात करें, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है वो राइट हैंड रूल से फाइंड की जाती है। जो वेक्टर्स होते हैं इन पे, मैं पहले ये सारी चीजें रेस करके एक बार पहले डिटेल लिख देते हैं और उसके बाद डिटेल से डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें किसकी, वेक्टर्स की, वेक्टर्स होते हैं अलोंग, अलोंग द कर्ल ऑफ फिंगर्स, तो जो वेक्टर्स होते हैं वो होते हैं अलोंग द कर्ल ऑफ फिंगर्स, और जो थंब होता है इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। और एक एग्जांपल के साथ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखें, सपोज सपोज वी आर फाइंडिंग ए क्रॉस बी, ओके एवरीवन नोटिस, सपोज वी वांट टू फाइंड ए क्रॉस बी एंड ए इज इन दिस डायरेक्शन एंड बी इज इन दिस डायरेक्शन। नाउ व्हाट यू विल डू, हमें ए टू बी जाना है ना, दैट मीन्स फिंगर किस तरफ कर्ल होने वाली है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। सो द मोशन इज, मोशन वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। अभी फील करो सब, हमें ए क्रॉस बी जाना है, सो वी विल मूव फ्रॉम ए टू बी। बताओ ए टू बी मोशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंड इफ यू फोकस ऑन योर राइट हैंड एंड इफ यू फील टर्न योर फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यू विल सी थंब इज कमिंग टूवर्ड्स यू, और इन दिस पॉइंट वी विल फील दैट थंब इज पॉइंटिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ओके। सो इफ यू कीप योर हैंड, द पाम ऑफ योर हैंड ऑन द स्क्रीन, यू विल सी इफ द फिंगर्स आर एंटी क्लॉकवाइज, द थंब इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स यू मीन्स आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। तो इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, direction of cross product will be out of the plane, out of the plane of paper, plane of paper। तो अभी एक और example देता हूं और फिर एकदम clear हो जाएगा। suppose a और b इस तरीके से बना हुआ है तो direction क्या हो गई, out of the plane of paper। अगर मैं a cross b पूछूं आपसे, but जो गिवन डायरेक्शन है वो थोड़ा सा ध्यान दें,
अगर ए और बी के बारे में जो गिवन है वो कुछ इस तरीके से गिवन है कि ए वेक्टर इधर है एंड दिस इज द बी वेक्टर, सो जो मोशन होने वाली वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज मोशन। सो मोशन ये जो है वो क्या है, वो क्लॉकवाइज है। सो क्लॉकवाइज के केस में थंब कहां पे पॉइंट करेगा, इनटू द प्लेन। तो इसका मतलब अगर ए क्रॉस बी का ऐसा कुछ फिगर है डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द प्लेन। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इनटू द प्लेन, इज इनटू द प्लेन। तो बताओ अभी इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या, ये दो चीजें पहले अच्छे से देखो। ए टू बी अगर फिगर इस तरीके का गिवन है तो सबको समझ में आ रहा है द मोशन इज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब थंब कहां पॉइंट करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर। और अगर हम फिगर नंबर टू, ये जो ब्लू कलर से वेक्टर बने हुए हैं, अगर हम इसमें देखेंगे तो फिंगर्स किस तरफ कर लोगे, ए टू बी की तरफ, मीन्स क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए थंब कहां आएगा, इनटू द प्लेन आएगा। तो ये हम क्या याद करेंगे, यस, तो हम इस डायरेक्शन को जो मैंने केस टू में बताया डायरेक्शन, इससे हम रूल मान के याद करेंगे। सब लोग इसे रूल याद करेंगे, रूल याद रहना चाहिए, क्या रूल, नंबर वन, इफ वेक्टर्स आर क्लॉकवाइज तो बताओ डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, सॉरी माय मिस्टेक, इनवर्ड। अगर क्लॉकवाइज है तो इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। और अगर इफ वेक्टर्स आर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, देन आंसर हो जाएगा आउटवर्ड। तो ये एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा कि डायरेक्शन कैसे लिखनी है। तो मुझे लगता है इनटू और आउटवर्ड में किसी को कुछ डाउट है, पूछें। श्रीजीत, यू हैव एनी डाउट? सर, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन हियर? ओके, बाय द प्लेन इट मींस, सपोज दिस इज अवर पेपर, ओके, सो सपोज आपकी ये मोबाइल स्क्रीन है, योर मोबाइल स्क्रीन इज अ प्लेन, ओके, और मोबाइल स्क्रीन से बाहर की तरफ जो आपके आईज की तरफ रेज आ रही हैं, दोज रेज आर आउट ऑफ द प्लेन, ओके। तो सिंपल सा है, आप मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल की जो स्क्रीन है, स्क्रीन दैट इज कॉल्ड प्लेन, क्लियर। और जो स्क्रीन से रेज आ रही है, दोज आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दोज विल बी कॉल्ड आउट ऑफ द प्लेन, क्लियर है? यस सर। ओके, देखिए एग्जाम्पल वाइज चीजों को और अच्छा हम समझ सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा तो देखना आप लोग को काफी सारी चीजें क्लियर आ जाएंगी। सपोज, अच्छा अब ये बताओ, मैं तीन वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, ये आई वेक्टर है, ये जे वेक्टर है, और के वेक्टर कहाँ पर होता है, परपेंडिकुलर टूवर्ड्स यू, ओके, सो परपेंडिकुलर टूवर्ड्स यू होता है जे वेक्टर। सो ये हो गया जे वेक्टर, के वेक्टर। अब आप लोग बताओ, अगर मैं जे क्रॉस आई कराऊं, बताओ कौन सा वेक्टर आएगा, डायरेक्शन माइनस के, माइनस के, क्यों, एकदम आराम से फील करेंगे, मैं आराम से बता रहा हूं। सपोज मैं आई क्रॉस जे करता तो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब आउटवर्ड आता, मतलब आंसर क्या आता, के कैप आता, क्लियर, हाँ। लेकिन हमने लिखा हुआ है जे टू आई, तो मतलब आंसर इनवर्ड आएगा, इनवर्ड मतलब माइनस के कैप, तो ये आंसर आना चाहिए माइनस के कैप टाइप का। तो इस तरीके से हम इस डायरेक्शंस को देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड रूल बना लेते हैं जिससे ज्यादा टेंशन नहीं होगी। तो अभी जैसे हमने दो रूल लिखे हैं, एक थर्ड रूल बनाते हैं एग्जाम्पल सॉल्विंग से पहले स्टैंडर्ड एक्सिस के लिए। क्या, आप एक सर्किल बना लो, उसमें कहीं पे भी लिखो ये है आई कैप, फिर सपोज एक सर्किल बना लो। सब लोग ध्यान दें मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि किसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा। सपोज हमने बना लिया आई कैप, नेक्स्ट हो गया हमारा जे कैप, और नेक्स्ट हो गया हमारा के कैप, क्लियर। अब अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे, हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमें पॉजिटिव लिखना है, अगर जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्लॉकवाइज है तो आंसर आएगा पॉजिटिव,
सब लोग ध्यान देंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है डायरेक्शन तो आंसर आएगा नेगेटिव। अब देखें इसका मतलब क्या है, स्ट्रिक का मतलब क्या है समझें। आंसर का मतलब है सपोज, देखें सब लोग मैं सारी चीजें यहाँ पर लिखूंगा, सपोज मैंने आई क्रॉस जे किया है, बताओ आंसर क्या आएगा, हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या आएगा, वेरी गुड। अगर लेट से हमने किया हुआ है के कैप क्रॉस जे कैप, माइनस नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, आई कैप उल्टा जा रहे हैं, जे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आई कैप, आई कैप, आई कैप। तो क्या आपको अभी ये सब फाइंड करने में अब दिक्कत होने वाली है, लेट से मैंने किया हुआ है आई कैप क्रॉस के कैप, बताएं पॉजिटिव जे कैप, पॉजिटिव होगा यार, उल्टा नहीं आ रहा है, नेगेटिव आई टू के, अरे चलो ठीक है मैं लिखता जाता हूँ, आई टू जे जाओगे तो क्लॉकवाइज आओगे ना, और अगर के टू जे जा रहे हो मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, अगर आई टू के जा रहे हो तो उल्टा आ रहे हो ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो, क्या आएगा नेगेटिव, नेगेटिव जे कैप। अगर मैंने जे कैप क्रॉस आई कैप किया नेगेटिव के कैप, नेगेटिव के कैप, नेगेटिव के कैप, एंटी क्लॉकवाइज। लग रहा है अभी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, सारा डिटेल लिखने की जरूरत भी नहीं है, सब दिया है के कैप क्रॉस आई कैप, पॉजिटिव जे कैप, अभी क्लॉकवाइज ही चल रहा है मतलब पॉजिटिव जे कैप, पॉजिटिव जे कैप, वेरी गुड। तो मुझे लगता है सबको समझ आ गया कि आई जे के इन सब का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आने वाला है, क्लियर। अच्छा अब इसका एक आइडिया हमें दिख रहा है, एक चीज दिख रही है, अगर आप फील करो किसको, दो चीजों को मैं टारगेट करता हूँ, मैं आई इंटू जे को करता हूँ और जे इंटू आई को, देखो क्या फर्क है आंसर में, आंसर में प्लस के कैप और माइनस के कैप का फर्क है, माइनस या, तो इसका मतलब यहाँ पर एक चीज है कि वेक्टर ए क्रॉस बी जब हम कराते हैं तो जो आंसर ए क्रॉस बी का आता है वो अगर हम बी क्रॉस ए कराएं तो सेम आंसर नहीं आता है, क्या आता है, नेगेटिव आंसर आता है उसका, नेगेटिव। थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि डॉट प्रोडक्ट में आप ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो दोनों सेम है, बट क्रॉस में अगर लिखोगे तो आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा तब आप यूज कर सकते हैं, सो जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वहां पे आंसर नेगेटिव आएगा, तो ये वाला मुझे लगता है लॉजिक सबको समझ में आ गया है कि क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे होते हैं। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है डायरेक्शन कैसे डिस्कस करते हैं और कैसे हमने आई जे को सॉल्व किया है, सबको क्लियर है? Yes, sir. Okay, yes, sir. तो फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ क्या चीजें याद करनी है, देखो डॉट में आई और आई का सॉल्व होता था और आई का जे के साथ के साथ सबके साथ जीरो, यहाँ पे क्या होगा, आई और आई का जीरो होगा और बाकी सबका सॉल्व होगा। सो मैं अब एक एग्जांपल देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब लोग उसे अच्छे से सॉल्व करेंगे, या थोड़ी देर पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ एक एग्जाम्पल, लेट्स से फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ लेट्स से टू आई कैप प्लस जे कैप एंड माइनस आई कैप माइनस फोर के जे कैप, लेट्स से ये है। अब हमें इसका चाहिए तो मैं पहले एक सॉल्व करता हूँ फिर नेक्स्ट वाला आप लोग सॉल्व करेंगे, पहले मैं एक सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोग को, देखें कैसे वेक्टर प्रोडक्ट कर सकते हैं। देखें हमें लेट्स से अज्यूम कि हमने ये ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर सॉरी क्रॉस बी वेक्टर करना है, मतलब क्या होगा, हमें टू आई कैप प्लस जे कैप का क्रॉस कराना पड़ेगा किसके साथ, माइनस आई कैप माइनस फोर जे कैप के साथ। अब देखना है क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, प्रॉपर लिखेंगे टू और माइनस वन का क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा, माइनस टू, माइनस टू आएगा आई क्रॉस आई, ओके प्लस या माइनस आ जाएगा टू इंटू फोर क्या आ जाएगा, माइनस एट, और क्रॉस में आएगा आई कैप क्रॉस जे कैप, देन प्लस और माइनस का वन और आएगा जे कैप क्रॉस आई कैप, देन माइनस और प्लस का माइनस फोर जे कैप क्रॉस जे कैप। अब यहाँ पे वो सिंपल फंडा क्या हमने देखा था, आई और आई का क्रॉस क्या हो गया, जीरो, वन, क्या हो गया जीरो, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे ये हो गया माइनस टू इंटू जीरो सेवन के कैप माइनस, ओके
अब देखो आई और जे का, तो हमने जस्ट अभी बताया था ना, आई और जे का प्लस के कैप हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सीक्वेंस याद करो, आई जे के ये फ्लो है, माइनस जे इंटू आई कर दिया है, सो जे इंटू आई मतलब उल्टा हो गया, ये आएगा माइनस का के कैप, और ये हो गया माइनस फोर इंटू जीरो, तो अगर अभी सॉल्विंग की बात करें सो ये हो गया जीरो माइनस एट के कैप प्लस माइनस माइनस प्लस के कैप, और ये तो जीरो है, तो ये आ गया माइनस सेवन के कैप, सेवन कैप। तो देख पा रहे हो आप डायरेक्शन है, ये है हमारा मैग्नीट्यूड और ये है हमारी डायरेक्शन, सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा ये बताओ क्या मैग्नीट्यूड माइनस सेवन है या फिर मैग्नीट्यूड सेवन है सिर्फ? सेवन है। अच्छा मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं। मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता? नहीं। ओके यार, मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है बट, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है बट इन वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर के लिए मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है, इन वेक्टर क्वांटिटीज नेगेटिव जो होता है वो मैग्नीट्यूड नेगेटिव डायरेक्शन, सो वेक्टर क्वांटिटीज नेगेटिव मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट्स अपोजिट डायरेक्शन। ओके तो ये पॉइंट होगा, तो मुझे लगता है क्रॉस प्रोडक्ट आप सब लोग को सॉल्व होके आ गया है। चले तो एक थोड़ा सा एग्जांपल और देख लेते हैं और ये एग्जांपल आप सब लोग सॉल्व करेंगे। Okay, solve this particular question. Let's see. सब लोग याद रखना है, केयरफुल रहना है, गलती होने के बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि कितने टर्म्स होने वाले हैं, थ्री इंटू थ्री नाइन टर्म्स होंगे, नाइन टर्म्स में से थ्री जीरो हो जाएंगे, फिर भी कितने टर्म्स बचेंगे, सिक्स टर्म्स बचेंगे, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करके फाइनली थ्री टर्म्स बचेंगे, तो थोड़ा सा सॉल्व केयरफुली करना है।
Okay, so Rajvardhan, it's not correct answer. Adit, very good here. Correct answer, very good, Adit. Shiv Prasad, it's not correct. So as of now, only Adit's answer is correct. Yeah. Does someone have any doubt? Karthik, correct answer. Arya, it's not correct. यार देखो इसके कैलकुलेशन ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए देखो मैंने बहुत डिटेल से मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है। पहले सब लोग ध्यान दे यार, पहले मैंने 2 का मल्टीप्लाई पूरे में करवाया है, फिर 3 का मल्टीप्लाई कराया, फिर 4 का स्टेप वाइज कराया हुआ है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है आप लोगों को। Dhruv, it's not correct. Yes, Raj, very good, correct. Samarth, correct. Ayush, it's not correct. Yashita, it's not correct. Vishwaraj, it's not correct. Okay, chale yaar, chale, abhi solving band kare, abhi koi answer send nahi kare. Chalega, abhi kisi ko answer send karne ki zarurat nahi hai, kyunki bahut sari mistakes dekhne ko mil rahi hai. Band kare yaar, answer nahi send kare ab koi, dekhen. चलिए सॉल्विंग देखे पहले। सबसे पहला एक बेसिक मैथ था। अगर हम बेसिक मैथ्स की बात करें तो पहला बेसिक मैथ क्या है वो देखें। सबसे पहला बेसिक मैथ्स है यहाँ पर जो हम बात करना चाहते हैं वो बेसिक मैथ्स है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ लिख दिया है। अब फिजिक्स की बात करते हैं यार, आई क्रॉस आई होगा जीरो, जे क्रॉस जे होगा जीरो और के क्रॉस के होगा जीरो, तो ये तीन तो जीरो हो गए, तो हमें इनकी तो कोई टेंशन नहीं है। अब बाकी के बारे में लिखेंगे। देखें बाकी के बारे में मैं लिख रहा हूं, पहले मैं लिख रहा हूं प्रॉपर। अगर हम लिखें आई इंटू जे, तो आई और जे का क्या आने वाला है, के आएगा। कैसा, प्लस का के, प्लस के। पहला हो गया जीरो, दूसरा माइनस टू है बट ब्रैकेट में इसके क्या आएगा, प्लस के कैप आएगा। थर्ड आई और के, तो फील करो कि जे को स्किप नहीं कर देना। सब लोग यहाँ पे देखें, अगर मैंने यहाँ आई लिखा है, यहाँ जे लिखा है और के, तो कुछ लोग सोचेंगे सर आई इंटू के देखो क्लॉकवाइज तो है, नहीं स्किप नहीं करना है कुछ भी, तो आई इंटू के एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब माइनस जे आएगा। सो ये प्लस फोर बट जे इसका कैसा है, माइनस जे क्या पाएगा। देन थर्ड प्लस थ्री अगर बात करें, सो जे इंटू आई क्या हो जाएगा, जे इंटू आई के, बट जे इंटू आई इनवर्स जा रहे हैं, फिर उल्टा जा रहे हैं ना, मतलब माइनस के क्या, माइनस के। हाँ देन प्लस सिक्स, J into K देखो एकदम क्लॉकवाइज सही जा रहा है ना, J into K प्लस I, तो प्लस I होगा, सो प्लस I होगा। देन माइनस फोर इंटू K into I, सो K into I देखो सही प्लस J, सो प्लस J आएगा। देन प्लस फोर माइनस I, K into J मतलब उल्टा जा रहे हैं, तो ये हो गया माइनस I। ओके तो ये स्टेप्स तैयार, ये तो आपको लिखना आना ही पड़ेगा फिर काम बनेगा। तो सबसे पहले आई वाले को लिखते हैं, लिखने का भी तरीका देखो, सबसे पहले आई को लिखो, तो एक है सिक्स आई कैप माइनस फोर आई कैप, ये हो गया दो आई कैप। फिर लिखो जे कैप, तो जे कैप है माइनस फोर जे कैप और दूसरा भी माइनस फोर जे कैप है। फिर लिखो के कैप, सो माइनस टू के कैप और थ्री के कैप भी नेगेटिव ही है। सो हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है वो आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये आंसर आएगा टू आई कैप माइनस एट जे कैप माइनस फाइव के कैप, ये हमारा आंसर था। तो काफी सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा करेक्ट आंसर दिया यार, बहुत ही अच्छा, बट कुछ लोगों ने सॉल्विंग में थोड़ी सी मैथमेटिकल मिस्टेक्स की हुई हैं। मुझे लगता है इस क्वेश्चन को देखने के बाद उन लोगों को आ गया होगा, सीख गए होंगे आप लोग कि किस तरीके से हमें यहाँ पे चेंजेस करने हैं। अभी क्लियर, अभी किसी को कुछ डाउट इसमें? नो सर। ओके तो ये बस आपको ये रूल याद रखना पड़ेगा क्लॉकवाइज, कब प्लस है कब माइनस है ये। ओके अब देखें यार, अब थोड़ा सा क्या है कि एग्जाम में यार ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि एग्जाम में बहुत प्रेशर रहता है, जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ एक माइनस मिस हो जाएगा। तो इसको करने के लिए हम एक मेथड टू यूज करते हैं, मेथड सेकेंड मेथड। ओके दैट मेथड इज कॉल्ड मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड क्या है देखें, मैट्रिक्स मेथड मतलब ये है, या एक्चुअली मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट है ये, सो इसको डिटरमिनेंट मेथड बोलते हैं। मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट कुछ भी,
दोनों ही पॉइंट सेम है। क्या करना होता है, सपोज हमें ए क्रॉस बी लिखना है तो हम इनका एक डिटरमिनेंट बना लेते हैं। डिटरमिनेंट मतलब कैसे, ऊपर रहेगा आई, देन सेकेंड टर्म होगा जे, देन थर्ड टर्म होगा के, और इनके कोफिशियंट लिख लेते हैं जो ए को बिलोंग कर रहा है और जो बी को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्रॉस बी कराना है तो पहले ए को लिखेंगे फिर बी को लिखेंगे, तो ये होगा हमारे क्या कोफिशियंट। देखिए ए के कोफिशियंट क्या है, क्वेश्चन में देखे 2, 3, -4, सब लोग देखो ए के जो कोफिशियंट है वो है 2, 3, -4, तो ए के कोफिशियंट वहां पे लिख देते हैं हम, ए के कोफिशियंट है 2, 3, -4। बी के कोफिशियंट क्या है, बी के कोफिशियंट देख लेते हैं 1, -1, +2, +2, सो 1, -1, +2, 1, -1, +2। अब हमें ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, तो देखो डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका होता है देखो इस तरीके से, सब ध्यान देंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका होता है पहले प्लस माइनस लाइकवाइज जितने भी डिटरमिनेंट होंगे चलते जाएंगे, बट हमारा कितना एलिमेंट, कितने कॉलम का डिटरमिनेंट है 3/3, सो सिर्फ 3 एलिमेंट आएंगे प्लस माइनस प्लस। अच्छा कैसे स्टार्ट होंगे, आई से स्टार्ट होंगे, तो ये होगा आई, ये होगा जे, ये होगा के, सब लोग यार स्टेप्स अच्छे से देखेंगे, मैं डिटरमिनेंट सॉल्व करना बता रहा हूँ, पहले होगा प्लस माइनस प्लस सिंबल, फिर होगा आई जे के, अब उसके बाद होगा बॉटम टू टॉप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो याद रखें बॉटम टू टॉप एंड राइट टू लेफ्ट, क्लियर, ये मल्टीप्लीकेशन रूल है क्या, बॉटम टू टॉप एंड राइट टू लेफ्ट, मतलब फील करेंगे, देखें चीजें देखें, जब हम आई को डिस्कस करेंगे तो आई का ये जो रो है और ये जो आई का कॉलम है ये हम छोड़ देंगे, उसके बाद ये जो क्रॉस बचेगा इसको हम सॉल्व करेंगे आई के लिए। तो देखें मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि आई को जब हम लेंगे तो ये दोनों मिस कर स्लिप करेंगे और सिर्फ इसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का रूल क्या है, बॉटम टू टॉप राइट टू लेफ्ट, तो बॉटम मतलब माइनस वन और टू, और बॉटम में राइट कौन है सबसे ज्यादा, टू, तो प्लस टू से स्टार्टिंग होगी क्वेश्चन की, और करना क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब प्लस टू को थ्री के साथ करना है और वन को फोर के साथ करना है, तो इसके देखे रूल क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखे सब लोग, हो जाएगा 3 × 2, सो 3 × 2 देन माइनस -1 एंड -1, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बट किससे स्टार्ट करना है, बॉटम से स्टार्ट करना है और राइट वाले से स्टार्ट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लीकेशन आई का। अब बात करते हैं जे का, तो जे के लिए क्या करेंगे, देखें जे के लिए जे वाले का रो छोड़ देंगे, जे वाले का ये परपेंडिकुलर छोड़ देंगे, और बच्चे क्या सिर्फ ये दोनों, तो इन दोनों का क्रॉस जो होगा वो कहाँ पे सॉल्व करेंगे, जे को सॉल्व करेंगे इस तरीके से। तो मुझे लगता है काफी एक फिगर में काफी सारी चीजें हो गई, लिखने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं कि जे के सॉल्विंग में क्या आएगा, ध्यान दें जे के सॉल्विंग में आएगा 2 और 1 का मैट्रिक्स और -4 और 2 का मैट्रिक्स, ठीक है, तो जे का सॉल्विंग में लिख रहा हूँ, जे के मैट्रिक्स में आएगा क्या 2 एंड 1, -4 एंड 2, ये आने वाला है। अब करना क्या है, बॉटम पे सबसे राइट वाले से, तो बॉटम पे सबसे राइट पे क्या है 2, इससे स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 2 -1 × -4, ये हो जाएगा जे। सिमिलरली अब समझ गए होगे, के कैप होगा तो के के कॉलम को छोड़ देंगे, बचेगा क्या, के के लिए बचेगा 2, 3, 1, -1। अब आप लोग क्या है, आप लोग का प्रैक्टिस नहीं है इस मेथड में, थोड़ा नया है आप लोग के लिए, तो आपको लगेगा सर ये तो ज्यादा टफ है पहले वाले से, बट नहीं, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस एकदम कम है। तो बॉटम राइट में क्या है -1, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा क्या -1 × 2 -3 × 1, ये हो गया हमारा पूरा पार्ट सॉल्विंग का। तो अभी देखिए फाइनल सॉल्विंग के बाद आंसर क्या आने वाला है, आंसर आएगा प्लस आई कैप
ब्रैकेट में देखे सॉल्व करें, 3 × 2 क्या आएगा 6, माइनस माइनस 1 एंड प्लस 4 विल ऐड अप, ये आ जाएगा प्लस 4, देन माइनस जे कैप सॉल्व करें 2 × 2 आ जाएगा 4, एंड माइनस प्लस 4, प्लस के कैप देखे माइनस 1 एंड माइनस 2 इट विल बी माइनस 2 एंड माइनस 3। तो मुझे लगता है बहुत ही जल्दी आंसर आ जाता है हमारा यहाँ से, 2i कैप यस 8 जे कैप प्लस माइनस 5 के कैप, गलती होने के चांस नहीं होते हैं यार। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्रॉस प्रोडक्ट का ये डिटरमिनेंट मेथड या मैट्रिक्स मेथड इसे बोलते हैं, हम डिटरमिनेंट लिख लेते हैं बेटर रहेगा। सो डिटरमिनेंट मेथड यहाँ पर हम बात करेंगे। अच्छा मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, देखें जिसे नहीं समझ में आया वो पूछ ले हमसे डिटरमिनेंट मेथड क्या है। देखें स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको प्लस माइनस प्लस लिखना पड़ेगा, आई प्लस होगा, जे माइनस होगा, के प्लस होगा, पहली बात तो ये लिख लो। नंबर 2 क्या करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन कराना है, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, स्टेप्स देखना। सबसे पहले जब हम आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी टेबल पिक करेंगे, 3, -1 जो जे के नीचे है, एंड -4, 2 ये मैट्रिक्स पिक करेंगे। सब लोग का फोकस इस मैट्रिक्स में होना चाहिए। अब करते कैसे हैं, बॉटम टू टॉप मल्टीप्लाई करना है और राइट टू लेफ्ट, तो ये बॉटम हुआ राइट का और ये लेफ्ट का टॉप, ये मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस रिमेनिंग 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से हमें ये मैट्रिक्स सॉल्व करना है। फिर से सपोज जे का लिख रहे हैं, तो जे का लिख रहे हैं तो 3 और 1 को छोड़ेंगे, क्या बचेगा 2 एंड 1, और इधर बचेगा -4 एंड 2, क्या करेंगे 2 एंड 2 का कराएंगे, -1 एंड 4 का कराएंगे। तो ये मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट पार्ट है उसको सॉल्विंग का टेक्निक है। तो बताओ अभी सबको समझ में आएगा, किसी को इसमें डाउट है तो बताओ, हम डिस्कस कर सकते हैं, किसी को इस सेगमेंट में डाउट है तो। ओके तो एक और एग्जांपल देते हैं, और मैं चाहता हूं आप लोग मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करेंगे ये एग्जांपल, और ये एग्जांपल आप लोग नोट कर लें क्योंकि ये मैं स्क्रीन में ये सामने रखूंगा आपके, तो एग्जांपल थोड़ा मिस हो सकता है इसलिए थोड़ा ध्यान दें। देखिए ये एग्जांपल सॉल्व करना है सबको, सबको मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करना है, ये ध्यान देना है। ओके सॉल्व करें जल्दी से, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मेथड से ही सॉल्व करें तुरंत। ओके वेरी गुड आदित्य करेक्ट आंसर, राजवर्धन करेक्ट आंसर, विश्वराज इट्स नॉट करेक्ट, रीचेक अगेन। ओके शिवप्रसाद करेक्ट आंसर, आयुष इट्स नॉट करेक्ट, वेरी गुड यशिता करेक्ट आंसर,
आदित्य कार्तिक करेक्ट आंसर. चले तो देख लेते हैं. ओके कुछ आंसर्स करेक्ट है कुछ इनकरेक्ट है तो मुझे लगता है अभी तक बन जाना चाहिए था. अभी हम सॉल्विंग देख लेते हैं एक बार फिर से देखें. चले मैं जल्दी से सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ. अभी आंसर करना बंद करें अभी कोई भी आंसर नहीं करे जस्ट अभी स्क्रीन पे देखे यार एक बार और सीख लेते हैं. किसी को कुछ डाउट हो तो फिर देखते हैं. सबसे पहले आपको एक डिटर्मिनेंट टेबल बनानी है उसमें लिखना है आई जे एंड के. क्लियर. इस टेबल में आपको ए और बी अच्छे से लिखना है. पहले ए के कोफिशियंट दैट इज वन माइनस वन एंड प्लस वन. फिर लिखना है जे के कोफिशियंट वो है माइनस टू प्लस फाइव एंड माइनस टू. ये हो गया जे कैप के कोफिशियंट. अब आंसर में क्या लिखना होता है. आंसर में लिखना है प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप. ये पहले थोड़ा सा ध्यान देना है. अब सबके सॉल्विंग में देखें क्या रहेगा. जब आई कैप सॉल्व करेंगे तो किसकी टेबल पिक करेंगे जे और के की. तो देखें मल्टीप्लाई मैं डायरेक्टली लिखता हूँ होगा माइनस वन इंटू माइनस टू माइनस. अच्छा देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं डिटेल में लिख रहा हूँ. लेकिन जब मैं एग्जाम में सॉल्व करूंगा मुझे पता है माइनस वन और माइनस टू मल्टीप्लाई होकर प्लस टू आएगा. तो इतना लिखने की जरूरत नहीं होती. फाइव इंटू वन बिकॉज ये फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरा डिटेल लिख रहा हूँ. देन जब हम जे के लिखेंगे तो वन एंड फाइव को छोड़ देंगे. किसको लेंगे वन एंड टू को. सो ये हो जाएगा माइनस टू इंटू वन माइनस फिर से माइनस टू इंटू वन. ओके देन के कैप का लिखना है. सो ये हो जाएगा फाइव इंटू वन माइनस ऑफ माइनस वन इंटू माइनस टू. इस तरीके का रहेगा. तो देखिए सॉल्विंग क्या आया. प्लस आई कैप और वैल्यू अंदर आई माइनस माइनस प्लस टू माइनस फाइव. देन माइनस जे कैप अंदर वैल्यू आई माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू. देन प्लस के कैप अंदर वैल्यू आई फाइव माइनस एंड माइनस प्लस एंड अगेन माइनस माइनस टू. तो जो आंसर आ गया वो आ गया हमारा माइनस थ्री आई कैप प्लस. देखो जे कैप तो जीरो ही हो जाने वाला है तो चाहिए तो लिख सकते हैं जीरो जे कैप. जरूरत ही नहीं है बिकॉज जे कैप है ही नहीं. चलो लिख लेते हैं पहले जीरो जे कैप प्लस थ्री के कैप. और फाइनल आंसर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस थ्री आई कैप प्लस थ्री के कैप. तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. तो देखो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में दो केसेस देखे हैं. दोनों का हमें यूज समझ में आ गया है. और सेकेंड केस का काफी अच्छा हमने एक सब्स्टिट्यूट भी सीख लिया है डिटर्मिनेंट मेथड से हमें कैसे क्रॉस प्रोडक्ट जल्दी से फाइंड करना है. देखो डॉट एकदम इजी होता है डॉट तुरंत फाइंड कर सकते हैं. ओके अच्छा अब कुछ स्टूडेंट पूछेंगे सर एंगल बिटवीन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से क्यों नहीं निकालते. हमें पता है ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा. तो क्या हम साइन थीटा यहां से नहीं निकाल सकते. ठीक है निकाल लो साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बाई बी. बट यहाँ पे एक चीज मिस है ना डायरेक्शन. वो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर. तो इस तरीके से हम ये चीजें देख सकते हैं. इतना कुछ हमें प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर. तो दिक्कत ये कि ये जो डायरेक्शन है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना जब हम साइन थीटा फाइंड करेंगे. तो इसलिए हम कभी साइन थीटा नहीं फाइंड करते. हमेशा क्या निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट से ही एंगल निकालते हैं. इसलिए हमेशा जो डेफिनेशन आई है वो डायरेक्शन को साइन की आई है साइन की नहीं आई है. चले तो ये एक पार्ट था हमें निकालने के लिए. अच्छा अब एक डॉट प्रोडक्ट का आपने यूज देखा था. डॉट प्रोडक्ट का यूज क्या था प्रोजेक्शन फाइंड करने में. याद है प्रोजेक्शन. क्यों क्योंकि प्रोजेक्शन में आ जाता है ए इंटू कॉस थीटा. तो हम किसका यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट का. तो उसी तरीके से एक और चीज होती है जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट का भी यूज हो जाता है. तो एज अ थर्ड केस हम इस चीज को देख सकते हैं. केस नंबर थ्री क्या. सपोज हमें चाहिए एरिया बिटवीन टू वेक्टर्स. एरिया बिटवीन टू वेक्टर्स अगर हमें ये कभी फाइंड करना है तो देखें हमें कैसे यूज करना है. सपोज एक वेक्टर हमने बना दिया ए वेक्टर
और एक वेक्टर बना दिया बी वेक्टर। आपको इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए, तो इन दोनों के बीच का एरिया मतलब पहले तो आपको इनको ज्वाइन करना पड़ेगा और इन दोनों के बीच का ये हो गया एरिया। क्लियर? अच्छा, अगर हमें पता है कि इन दोनों के बीच का हमें एरिया चाहिए तो वो एरिया क्या है, वो एरिया एक ट्रायंगल है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा अभी देखे, ट्रायंगल का अगर हमें एरिया चाहिए तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा अभी प्रॉब्लम ये है कि बेस तो ठीक है, बेस बी दिख गया, हाइट कैसे निकालेंगे, तो हाइट हम थोड़ा सा निकालेंगे कि यार ये हो गई हमारी हाइट। हाइट सबको समझ में आई? अच्छा अगर हाइट थोड़ा सा अगर हम देखें तो ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ए साइन। तो अगर हम देखें तो ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो हाइट क्या है एक्चुअली में, ए साइन थीटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूंगा सो बी हो जाएगा बेस और हाइट हो जाएगी ए साइन थीटा। तो अगर हम गौर करें तो ये बिल्कुल हमारा फेमिलियर लग रहा है, क्या ए बी साइन थीटा लिखा हुआ है ये, सो मतलब हो गया ए बी साइन थीटा। सो हमें याद है कि अगर हम डायरेक्शन हटा दें तो ये तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है ना, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो और उसका मैग्नीट्यूड, जैसे ये क्या निकाला है क्रॉस प्रोडक्ट, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन देता कि बेटा इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एरिया बताओ, सो समझ आया सबको कैसे निकालते इस वेक्टर इस वेक्टर के बीच का एरिया, हम निकालते क्रॉस प्रोडक्ट और उसका ले लेते मैग्नीट्यूड, तो वो आ जाता हमारा क्या एरिया। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया बिटवीन वेक्टर्स क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हाफ इंटू ए बी साइन थीटा को लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो ए बी के क्रॉस का मैग्नीट्यूड जो निकाल लेंगे वो हो जाएगा हमारा एरिया बिटवीन टू वेक्टर्स। क्लियर? अभी किसी को कुछ डाउट है इस पॉइंट में, ये जो हमने स्पेशल पॉइंट देखा अभी एरिया बिटवीन द वेक्टर्स का? नो सर। ओके गुड, लेट्स से हाँ, अगर इसी सिनेरियो में थोड़ा सा कुछ और ऐड कर दे, क्या अगर कुछ इस तरीके से बोले कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम अगर हमसे क्वेश्चन पूछे, लेट्स से एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम मतलब पैरेललोग्राम कैसे, सपोज दो वेक्टर्स गिवन थे, एक वेक्टर जैसे हमने बात की ये बी वेक्टर है और एक ये ए वेक्टर है, तो अभी ट्रायंगल तो ठीक है, पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, जब हम बिल्कुल सिमिलर बी यहाँ पर रखेंगे और सिमिलर कंडीशन ऑफ ए यहाँ पर रखेंगे तो ये बन जाएगा एक पैरेललोग्राम। अगर हमें इसका एरिया देखना है तो थोड़ा सा फील करने का ट्राई करो यार, पैरेललोग्राम तो बिल्कुल सिमिलर है ना इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, तो मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, या तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में ऑलरेडी हाफ था तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं ये लिख सकता हूँ एरिया ऑफ क्रॉस बी, या सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, वो जस्ट लिख सकते हैं हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और ये याद रखना कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रैंडम पैरेललोग्राम नहीं है, पैरेललोग्राम मेड बाई टू वेक्टर्स, पैरेललोग्राम मेड बाई टू वेक्टर्स। अच्छा अगर हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं तो ये बताओ क्या इन पैरेललोग्राम का डायगोनल्स भी बता सकते हैं हम, क्या सपोज मैंने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना दिया, ये बी वेक्टर है ये ए वेक्टर है और इनका एक पैरेललोग्राम बना दिया हमने, तो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल बता सकते हैं आप, ये वाला डायगोनल स्मॉलर डायगोनल रिजल्टेंट। अच्छा क्या ये जो मैंने स्काई ब्लू कलर से बनाया हुआ है ये रिजल्टेंट है क्या, कोई देख के बताओ। नो नहीं no. है रिजल्टेंट कौन है ये, वो दूसरा डायगोनल, दूसरा डायगोनल, ये वाला डायगोनल होता है रिजल्टेंट।
क्लियर। सो मान लेते हैं स्मॉलर डायगोनल जो है स्मॉलर वो है D1 और जो है लार्जर D2। तो ये क्लियर है कि अगर हमें D2 चाहिए तो D2 हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट। क्लियर। लेकिन अगर D1 की बात करें तो D1 फिर क्या हो जाएगा, फील करो D1 के केस में रिजल्टेंट कौन है, फिर रिजल्टेंट है B। अच्छे से देखें सॉरी B नहीं A A A A तो रिजल्टेंट है A किसका, B प्लस D1 का। तो इसका मतलब D1 क्या हो जाएगा A माइनस B, A माइनस B D1 हो जाएगा A माइनस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये समझ में आया कि डायगोनल के बारे में भी हमसे चीजें पूछी जा सकती हैं। डायगोनल तो ये एक रिलेशन है, ये एक जस्ट एक रिलेशन है कि हम कैसे चीजों को डिफरेंटली यूज कर सकते हैं। तो कुछ यूजेस हम बता देते हैं, नोट्स में ही मैंने बता दिए हैं, और कुछ यूजेस हमें प्रैक्टिस शीट करने में यूज में मिल जाते हैं। तो जब आप पूरी प्रैक्टिस शीट करेंगे तो ये सारी चीजें हमें सॉल्व करने को मिल जाएंगी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा वेक्टर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है मतलब एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब तीन चीजों का मल्टीप्लाई। जैसे अभी हमने ए क्रॉस बी कराया, अभी क्रॉस सी करा दो तो तब कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज बाकी हुई है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस कर लेंगे। तो कल के लेक्चर में हम ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ट्रिपल प्रोडक्ट में मैक्स हाफ आवर लगेगा और रिमेनिंग वन आवर में हम प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे। तो यार अभी किसी को कुछ डाउट, जो हम सॉल्व करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम कल हाफ आवर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिस शीट सॉल्विंग करेंगे। ओके ओके सर। ओके देन अभी शीट सॉल्विंग स्टार्ट कर देना, डीसी पांडे से भी सॉल्विंग स्टार्ट कर देना। ओके ओके सर। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे सर। गुड बाय सर, हैव अ नाइस डे। बाय सर। बाय सर। गुड डे सर। ओके बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।